गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पेपर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए अब हम पेपर शुरू करते हैं। पेपर शुरू करने से पहले एक बात और, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो, बैठने से पहले आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, किसी प्रकार की टेंशन नहीं रखें। इसके बाद अगली बात एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो प्रश्न को पूरा पढ़ें। पहली बात तो पूरा पढ़ें, और जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ें। जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, और इस तरह से आपको पेपर के क्वेश्चनों को हल करना है। अक्सर हम देखते हैं कि जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं, या गोला भरते समय गलत गोला भरा हुआ आ जाता है। इसलिए आप बिल्कुल ही शांत होकर के क्वेश्चन पढ़ें और उसका उत्तर दें समझते हुए। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आलपोर्ट के अनुसार बेसील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उनको कहा जाता है। तो आलपोर्ट के अनुसार बेसील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, को जाना जाता है। तो आलपोर्ट ने दो ही सील गुण बताए हैं, एक तो सामान्य सील गुण दूसरा गुण था व्यक्तिगत सील गुण। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। व्यक्तिगत सील गुण का मतलब होता है कि व्यक्ति विशेष में पाया जाता है और किसी व्यक्ति में नहीं होता। इसका अच्छा उदाहरण है जैसे महात्मा गांधी में एक व्यक्तिगत सील गुण था अहिंसा, रावण में था अहंकार, दानवीर कर्ण में था यानी दान देने का भाव गुण था कर्ण में। तो इस तरह से एक विशेष व्यक्ति की पहचान होती है व्यक्तिगत सील गुण से। और सामान्य सील गुण ये सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो, जिनका उपयोग आम तौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी कि आम तौर पर, यहाँ पर आम तौर आ गया है। आम तौर का मतलब सामान्यतः, तो सामान्य मतलब सभी व्यक्तियों के लिए, तो सभी व्यक्तियों के लिए आएगा सामान्य सील गुण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य सील गुण यानी कॉमन ट्रेट्स। समझ में आ गया। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। साइकोलॉजी हो या कोई भी विषय हो, जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएंगे शब्दों के, तब तक आप उनके जवाब सही नहीं दे सकते। चलिए, एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, यानी मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, तो वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है। तो मानसिक रूप से तैयार करने का मतलब है, तो यानी पढ़ाने से पहले उसको तैयार करना कि बालक खुद ब खुद तैयार हो जाए कि मुझे पढ़ना है, ऐसा किया जाता है। तो इसका नियम आएगा तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रीड रेडीनेस। तत्परता का नियम यानी कि वो तैयार है। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल है,
यानी कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता जब तक उसको खुद को प्यास नहीं लगे। उसी तरह से बालक को जब तक नहीं पढ़ा सकते जब तक वो खुद तैयार नहीं होता, तो वो तत्पर होना चाहिए तभी वो पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे मानसिक रूप से तैयार करने का मतलब है तत्परता का नियम वो लगाना चाह रहा है अध्यापक बालक पर। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। निर्मित बाद के 5 ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो सीखी गई अवधारणा को अन्य से जोड़ते हैं, अन्य अवधारणाओं से जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं, यानी अपना सीखी हुई ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना और फिर उसको उपयोग में लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तारण, ई लेबोरेट पहला ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन इससे नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। पुनर्वलन संबंध की मजबूती को बढ़ाता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो नियम दिया था ये थॉर्नडाइक के नियम है। थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे, प्राथमिक नियम दिए थे और गौण नियम दिए थे। प्राथमिक नियम 3 है और गौण नियम 5 है। तो इसके पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम पहला, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाविता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि अगर कोई कार्य करता है तो वो पहले से ही तैयार होना चाहिए तभी वो काम करेगा। तो ये तो तत्परता का नियम, यानी कि कुएं पर पानी पिलाने का, जो घोड़े को पानी पिलाते हैं वो वाला तत्परता माता है। अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम को हम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं कि जो अभ्यास करेगा तो वो सीखेगा अन्यथा नहीं सीखेगा। तीसरा नियम प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सुख का नियम, दुख का नियम, सुख का नियम, दुख का नियम और दंड का और पुरस्कार का नियम भी कहते हैं इसको, दंड व पुरस्कार का नियम। अगर बालक को दंड दिया जाएगा तो बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बालक को पुरस्कार दिया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बालक को दंड दिया जाएगा तो वो उस काम को नहीं करेगा, अगर पुरस्कार दिया जाएगा तो उस काम को करेगा, यानी कि इसको कहेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम से बालक को पुनर्बलन दिया जाता है तो पुनर्बलन से संबंध मजबूत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना रोहन। रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधी समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत सबसे पहले दिया था स्टर्न वर्ग ने। तो स्टर्न वर्ग का ये सिद्धांत है और स्टर्न वर्ग ने 3 बुद्धि बताई थी,
तीन बुद्धि कौन कौन सी है? व्यावहारिक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, तीसरी रचनात्मक बुद्धि, और ये तीसरी है, थोड़ा इसको ठीक करता हूँ मैं। स्टर्नबर्ग ने तीन बुद्धि बताई थी, व्यावहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो व्यावहारिक बुद्धि में व्यक्ति अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर वातावरण के साथ में सामंजस्य स्थापित करता है। रचनात्मक बुद्धि में नए नए सिद्धांतों का निर्माण करता है अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर। और विश्लेषणात्मक बुद्धि में व्यक्ति समस्याओं का समाधान करता है तर्क वितर्क करके। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ये तो है नहीं ऑप्शन में, सामाजिक बुद्धि भी नहीं है। अब दो बुद्धि बची है, व्यवहारिक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब दोनों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि समस्याओं को वह तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसमें सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक बुद्धि, क्योंकि जो व्यावहारिक बुद्धि है इसमें तो व्यक्ति अपने व्यवहार के आधार पर सामंजस्य स्थापित करता है, लेकिन जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है उसमें वह तीव्रता, जैसे वाद विवाद करते हैं तो अपने वास्तविक जीवन में कोई समस्या आती है तो उसको तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्य प्रणाली को आसानी से समझ लेता है। तो इसका सही आंसर विश्लेषणात्मक बुद्धि होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं हैं? देखो यहाँ ये आ गया है मेन चीज, प्रक्षेपी विधियां नहीं है। तो प्रक्षेपी विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। तो देखो प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी हैं? शब्द साहचर्य विधि, ये प्रक्षेपी है, वाक्य पूर्ति प्रक्षेपी है, तो ये प्रक्षेपी होगी, ये भी प्रक्षेपी होगी, और समाज मित्र और केस स्टडी अप्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी विधियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है, मतलब प्रक्षेपी विधियां नहीं है, तो सी और डी, यानी सी और डी किस में है, ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी। विस्थापन, दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन। रिप्रेशन कहलाएगा, रिप्रेशन, दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो नहीं याद रखना। तो गिलफोर्ड ने, तो जो संक्रिया है, संक्रिया में संज्ञान भी आएगा और मूल्यांकन भी आएगा, है ना? तो संक्रिया में मूल्यांकन और संज्ञान दोनों आएगा। तो यहाँ पे देखो, तो संक्रिया का मूल्यांकन सही है, विषय वस्तु, शब्द संकेत, व्यवहार ये आते हैं, तो
तो संज्ञा निषेध का ये गलत हो जाएगा। उत्पाद, उत्पाद में भी उत्पादन उत्पाद में स्मृति नहीं आएगा, तो यहाँ स्मृति भी संक्रिया में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी और सी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप मंद गति अधिगम कर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, तो निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे? सरल शब्दों के निर्देशन देंगे, बिल्कुल सही। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सही। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति नहीं देंगे। उनके दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। एक दो चार किसमें? ऑप्शन 3। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? देखो सही नहीं है, तो यहीं पे मात खा जाते हैं अक्सर बच्चे उत्तर देने में। तो एटीट्यूड सही नहीं है, तो अभिवृत्ति जन्मजात होती है, बिल्कुल गलत। जन्मजात नहीं होती, अर्जित होती है, वातावरण से प्राप्त की जाती है। अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं, बिल्कुल सही है, किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं होती, ये भी गलत है। क्रियात्मक व्यवहारात्मक होती है, व्यवहार में लिए जाती है। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। और अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, तो सकारात्मक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि ए बी और डी गलत है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है, जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है, जो कि पुलिस अधीक्षक से नीचे के एक का नहीं होना चाहिए। किसी लोक सेवा द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके जांच की शक्ति रखता है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है, जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यही गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो यही गलत है कि इनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। और बाकी सही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में ये यथा समय निकट एक तिहाई से ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष पद धारण कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया? 2018, 1993, 2009, 1985। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। यह 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 आंसर होगा, जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता और राजस्थान विधानसभा में विश्वास विपक्ष का नेता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? महेश ज्योति, गुलाबचंद कटारिया, भंवरलाल शर्मा, कैलाश त्रिवेदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाबचंद कटारिया। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? 15 से 45, 10 से 45 वर्ष, 13 से 50 वर्ष और 12 से 45 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 45 वर्ष की महिलाएं। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर 4 ही होगा, क्योंकि 2025 तक प्रभावी रहेगी, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान से निम्नांकित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट में इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, लिंगानुपात में वृद्धि हुई, बाल लिंगानुपात घटा, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व में बदलाव नहीं हुआ। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अवनी लकीरा। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम, राजस्थान पॉलिटिकल म्यूजियम, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, लेजिस्लेटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 90%, 60%, 70% और 80%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90%। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य है शांति के साथ प्रगति। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ही गलत है, बाकी सारे सही है जम्बूरी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया था? दुलाराम सहारण को,
महेंद्र माणावत, कोमल कोठारी, आशीष पुरोहित। तो ये दिया गया है आशीष पुरोहित को, ऑप्शन चार करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, राजस्थान चर्म शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा राव फूले बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यानी कि पुराना बोर्ड है ये राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। फिर इसके बाद हम चलते हैं 67वें क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेरिल, पटकोई, नाग, मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCAD ऑप्शन तीन, यानी पटकोई के बाद में नाग और नाग के बाद में बेरिल, और बेरिल के बाद में आएगा मीजो। तो मीजो दक्षिण में है और उत्तर में पटकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। गैलापागोस द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है, कनारी द्वीप अंध महासागर में स्थित है, डियो गार्सियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, न्यू साइबेरियन द्वीप ये आर्कटिक में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2314, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? ध्रुवीय हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, मानसूनी हवाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं, ये भूमंडलीय नहीं है। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे? 2017, 2014, 2015, 2016। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? अंकलेश्वर, मुंबई हाई, बसिन, अलियावेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर। भारत में खाद्य तेल के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर एक आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें केवल वी सही है और ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, उत्तर से पूर्व मानसून। उत्तर से पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। उत्तरी सरकार तट के सहारे, कोंकण तट के सहारे, मालाबार तट के सहारे, कोरामंडल तट के सहारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाबार तट के सहारे। पैनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं,
यमुना की, गोमती की, महानदी की, गोदावरी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ऊंचे पर्वतीय वनों की, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों की, मैग्रोव वनों की। तो ये हो जाएगी सुंदरी मैग्रोव वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाइयों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक दूसरा ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही होगा, दूसरा भी बड़ा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कथन सही है? तो चंडीगढ़ से GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा। भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष दो योग करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, ऑप्शन एक और ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम यानी FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल उद्योग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, टेक्निक कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वन हार्डवेयर ऑप्शन तीन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय विधायिका के दो सदन कार्यक्रम बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा पहला केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, दूसरा केंद्रीय विधायिका के दो सदन, संविधान की रचना, केंद्रीय और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। 2, 1, 3, 4 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर VADC। नेक्स्ट, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर VR अंबेडकर का किसका प्रतिनिधित्व करते थे? मद्रास, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांत एवं बरार, मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई। कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? भारत सचिव पद का, सांप्रदायिक निर्वाचन का, प्रांतीय स्वायत्तता का, प्रांतों में द्वैत शासन का। तो प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम में। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? 1919, 1909, 1992, 1962। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद में हम चलते हैं। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? HC मुखर्जी, NG अयंगर, SM सादुल्ला, KM मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15A, 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जन्म स्थान, धर्म, नस्ल, भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा।
सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है। अनुच्छेदों को अनुच्छेद से मिलाना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, ये संविधान का अनुच्छेद 51 ए के साथ में है। तो 51 ए के साथ में, 5-7, तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहले का 2, यानी कि 7वें अनुच्छेद में। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 9 में है, तो सॉरी तो यहाँ पे है 9वां अनुच्छेद, तो 4 करेंगे यहाँ पे, तो ये तो देखो इसको हम इससे मिला देते हैं 7वां, सार्वजनिक संपत्ति 9वां, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास 8, और देश की रक्षा अनुच्छेद 4 में है। तो इस तरह से मिलाएंगे 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 किस में है, 2, 4, 1, 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर इसके बाद में 87 के बाद में 88 क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1985, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी 1985, ये गलत है। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है, निजी संपत्ति का विरोध, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्रण ना होना, तो इसमें पहला ही ऑप्शन होगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों को राष्ट्रपति निर्णय लेता है, तो अनुच्छेद 3 यानी अनुच्छेद 201 के अनुसार ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री पद नहीं दिया, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करता है, यह अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नज़रअंदाज नहीं करते। सूची को सूची से मिलाना है, तो इसमें ऑल इंडिया फोरम वर्ल्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फोरम वर्ल्ड ब्लॉक है पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का 2, बीजू जनता दल ये है उड़ीसा में 1, इंडियन नेशनल लोक दल
ये है हरियाणा में, चार और लोक जनशक्ति पार्टी ये है बिहार में, तीन, दो एक चार तीन, ऑप्शन चार। एशियाई एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? तो ये किया था 1950, 1947, 1948, 1949, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 में। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? 6, 2, 8, 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बार। अब हमारा 94, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? औपचारिक संक्रिय अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो संज्ञान संवेदीगामी अवस्था हो जाएगी, सेंसरी मोटर सबसे शुरू में आती है, ऑप्शन दो करेक्ट होगा। कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। तो यहाँ पर देखो संबंधित नहीं है, मानने से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर दो होगा। नेक्स्ट है, विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? रैखिक, सिफेलोकोडल, मस्तक अधोमुखी, प्रॉक्सी मॉडिस्टल, निकट से दूर और वर्तुलाकार। तो इसका हो जाएगा प्रॉक्सी मॉडिस्टल या निकट से दूर। लास्ट का क्वेश्चन है, कौन सी निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ए बी डी, ऑप्शन फोर सही होगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जीके का पेपर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।